हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं चुका वापस एक कॉर्नी कमल की वीडियो के साथ। आज की वीडियो रैली वाली कॉन्करर पुश टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो भाई देखो, सबको लगता है कि कॉन्करर बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं कि कॉन्करर बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये आसानी से आप कर सकते हो, ईजी है भाई। सब लोग कर सकते हो। जिसके पास लो डिवाइस है वो भी कर सकते हैं कॉन्करर। तो देखो, उसके लिए सही तरीका और सही टेक्निक मालूम होनी चाहिए। तो जो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, और मैंने खुद ने देखो भाई 3 बार कॉन्करर किया है, 2 बार स्क्वाड में किया। ये सीज़न इसके पहले वाले सीज़न, इसमें रिकॉल था, इसके पहले वाले सीज़न में रिकॉल नहीं था, दोनों बार किया। और इसके पहले वाले सीज़न में मेरे पास स्क्वाड भी नहीं थी, विदाउट स्क्वाड मैंने कॉन्करर किया, और भी लास्ट में 32 स्टार लगाया हूँ। और ऐसा भी नहीं कि 6 घंटे पूरे खेलता था, नहीं भाई, मैं चौक पर रहता था, 3-4 घंटे या 5 घंटे खेलने को मिलता था, उसमें ही कॉन्करर किया है। और ऐसा भी नहीं कि भाई आईफोन है मेरे पे, रेडमी में ही खेलता हूँ। तो भाई आप भी कर सकते हो, रेडमी के फ्री डिवाइस है मेरा। और देखो, पिछले सीजन का कीड़ी 6 का कीड़ी तो मैंने मेंटेन कर लिया है पिछले सीजन में भी। अब बात करते हैं देखो कि आपको कैसे कॉन्करर करना है। और आपको पहले सबसे पहले बताऊँ कि आपको डिसाइड करना है कि किस में करना है, सोलो डुओ स्क्वाड। देखो, मैं तो आपको भाई स्क्वाड की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो भाई मैंने 2 बार कॉन्करर स्क्वाड में किया है। तो भाई आप भी कॉन्करर स्क्वाड में कर सकते हो भाई, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, आपको भाई कुछ चीज़ों की जरूरत है कॉन्करर करने के लिए, एक प्रॉपर स्क्वाड की, क्योंकि स्क्वाड में करना है। मैं आपको रैंडम के साथ खेलने वाला भी तरीका बताऊँ, बट अभी जो अतारा वो ध्यान से सुनो। पहले देखो, आपको एक स्क्वाड की ज़रूरत रहता है, फिर रहता है आपको पेशेंस की ज़रूरत। ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्करर में। अभी देखो, आप लोग खेल रहे हो, आपको माइनस लग गया, आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे कि नहीं हो रहा। सबसे मेन वही है कि आपको हार नहीं माननी है। अब जब तक हार मानोगे नहीं, तब तक आपकी हार होगी नहीं। आप लास्ट दिन तक कॉन्करर कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँ कि कॉन्करर भाई एक टाइम पे ऐसा आता कि डेली के बस 25 पॉइंट बढ़ते हैं, डेली के 25 पॉइंट। जब मैंने कॉन्करर किया था तब मैं सिर्फ 25 पॉइंट बढ़ते हैं डेली के। तो भाई आप लोग समझो कि डेली के 100-100 पॉइंट प्लस नहीं कर सकते क्या? आप पे इतना मतलब स्किल्स रहेगा ही ना कि हाँ भाई 25-25 पॉइंट बढ़ प्लस करना है आप सबको। देखो, कॉन्करर करना है तो क्या रहता है सीन कि थोड़ा गेम प्ले भी थोड़ा तगड़ा चाहिए होता है। अब जिनके पास गेम प्ले नहीं है वो सर्वाइव गेम प्ले खेल सकता है, जो मैं बताता हूँ आपको कैसे, वो चीज़ तो मैं आगे बताऊँगा। अब करते हैं मेन बात कि आपको देखो विथ केड़ी जाना है या विदाउट केड़ी जाना है, वो भी मैटर करता है। तो देखो भाई, जिन भी लोगों को विथ केड़ी जाना है उनको पता है सबसे पहले क्या करना चाहिए, कि सबसे पहले अपनी केड़ी पे ध्यान देना चाहिए और एक प्रॉपर स्क्वाड बनानी चाहिए। आप रैंडम के, अभी आपके पास स्क्वाड नहीं है तो आप रैंडम के साथ खेलो। और रैंडम मतलब कैसे पता है, लो ऑल से लो, ऑल चैट पर रिक्वेस्ट डालो, उसमें जो रैंडम है ना उनके साथ ही खेलो। उनके साथ आपको देखो धीरे धीरे करके उनमें भी आपको देखो ऐसा बंदे मिल जाएंगे जो स्क्वाड में कर रहे हो, धीरे धीरे ऐसी स्क्वाड भी बनेगी। जब तक ऐसा नहीं हो तब तक आप वॉल पे रिक्वेस्ट डालो, रैंडम के साथ ही खेलो मेरे भाई। और आपके पास स्क्वाड है तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब चलो, आपको विथ केड़ी जाना है तो सबसे पहले क्या करो कि उतरते ही फाइट लो और टीयर प्रोटेक्शन ऑन रखो, क्योंकि देखो एज तक तो टीयर प्रोटेक्शन ऑन रहता है। तो आपको एज तक अच्छा खासा केड़ी मेंटेन कर लेना है, 5-6-7 जो आप रखना चाहते हो वो। अब देखो भाई, ऐसा क्यों बोल रहा कि पहले केडी पे जाने। देखो कि जिनको केडी का कलर रहता है ना, वो क्या सीन रहता है कि स्टार्टिंग में खेलते तो क्या होता है कि हैकर आएंगे और मारेंगे, केडी बिगड़ता है क्योंकि आप पुश करते होते हो। तो आपको पुश पे ध्यान नहीं देना, आपको केडी पे ध्यान देना सबसे पहले। तो चलो, अब इस इतना याद रखना कि केडी पे ध्यान दोगे ना तो आपको लास्ट तक खेलना पड़ेगा आपको। देखो, क्योंकि पॉइंट बढ़ते जाएंगे स्क्वाड में तेज़ी से बढ़ते हैं, बट एक वक्त आता है ना कि हाँ चलो एक वक्त आ गया, फिर डेली के 50 बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे 40 बढ़ते, एक टाइम ऐसा था 25 भी बढ़ते। मेरा खुद का वो टाइम आ गया था कि भाई 25 पर, बट उस टाइम पे प्लस ज़्यादा नहीं मिलता, 10 किल चिकन पे भी 10 प्लस मिलती है, वो आपको ध्यान देना है। और देखो, अभी बात रही तो जिस किलो को भी केड़ी के साथ करना है ना, उनको याद रखना है कि 5 या 6 दिन में ना इसमें आ जाना है, धीरे धीरे करके विथ केड़ी 5-6 दिन में आराम से इसमें आ जाओ कि चलो वो इसमें आ गए ना। फिर आप क्या कर लो कि स्टार्टिंग में फाइट लो। अब अपने को वो बंद कर दिया कि भाई देखो स्टार्टिंग में फाइट लो, मर गए तो फाइट अवॉइड करो, वो करना है आपको। देखो, मर गए तो थोड़ा सेफ जाना है, और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि भाई लास्ट तक सेफ खेलो, नहीं, आप सब लोग पहले सही से जाओ, लूट वूट कर लो, सेफ कोई अच्छी जगह ढूंढो भाई। देखो, मैं तो पहले लूपी को जाता था लिपो का, और उधर बंदे आए तो फाइट ले लेता था, क्योंकि आपको ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है मेरे भाई। अभी आप सेफ खेलोगे तो कुछ नहीं होगा आपको भाई, आपको इतना ज़्यादा रखना है कि माइनस तो नहीं खानी। बट उसके लिए देखो कि क्या करो कि अब समझो कि ऐसा दूसरी बार उतरते फाइट हो गया, आपके 2-3 बंदे मर गए, तो आपको छोड़ कर निकल जाना है उनको। तो भाई आपको निकल जाना है, और मान लो कि आप उतरते आप दूसरी बार भी मर गए
तो आपको पता है क्या करना है माइनस दिखाने के लिए, आपको गेम लास्ट तक देखनी है। आपको अपने टीममेट को बोलना है भाई तू लास्ट तक सर्वाइव कर, एस्टेक 2 या चिकन निकाल ले, इससे क्या होगा भाई आपका माइनस लगेगा। अब गेम लास्ट तक देखते हो ना तो आपको माइनस नहीं लगता, इतना याद रखना। अभी आपको भाई जो 40 माइनस का जो फटका लगता है ना वो नहीं लगेगा। ये टेक्निक आपको याद रखना है कि उतरते ही अगर दोनों बार मर जाओ तो आपको सेफ खेलना है। और जिनका देखो अभी आप केडी मेंटेन कर रहे हो, अभी आपको केडी हो गया कि चलो 5-6 का रह गया केडी और आप इसमें आ गए हो, तो पहली लाइफ में फाइट लो फिर जाके सेफ खेलो। और देखो सेफ ऐसा नहीं कि भाई लास्ट तक खेलो, नहीं डोमिनेटर तक, फिर आपको क्या कि आपको डोमिनेटर तक कॉन्करर हो रहा है ना तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा फाइट लेने जाना है कि लास्ट एंड सर्कल में किल निकालने वापस से जाना है। आ रही आती है कि लास्ट तक कि हाँ अभी 6000 पॉइंट हो गए ना कि 6000 पॉइंट से ऊपर हो गया, फिर आपको लास्ट तक सेफ खेलना पड़ेगा। बट तब तक आप देखो फाइट लो क्योंकि आपको माइनस नहीं लगेगा और किल के ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलेंगे, तो इससे आपका बेनिफिट रहेगा, किल मैटर करता है। और देखो भाई अभी भी आपको मैं क्लियर बता दूँ कि आपको पेशेंस रखना है मेरे पे, माइनस पड़ेगी। मैं जब मेरा 30 स्टार था 31 स्टार था तब मैंने 40 माइनस खाई थी, 28 माइनस खाई थी, तो मैं डीमोटिवेट नहीं होता। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप लास्ट तक खेल सकते हो, लास्ट तक कॉन्कर कर सकते हो। 2 महीने पड़े मेरे भाई, अभी अभी से भी समझ लो कि डेली के 100-150 प्लस करने लगोगे ना तो लास्ट तक आपको कॉन्करर हो ही जाएगा, वो भी स्क्वाड में। आपका लो एंड डिवाइस है तो आप चलो थोड़ा केडी नहीं मेंटेन कर सकते, बट आप सर्वाइव तो कर सकते हैं लास्ट तक मेरे भाई। लो एंड डिवाइस वाले के लिए क्या करो कि सर्वाइव करो। अब बात आती है देखो विदाउट केडी जिसको करना है ना कि बस जल्द से जल्द कॉन्करर करना है, जल्द से जल्द कॉन्करर करने के लिए तो भाई आपको देखो पहले दिन पे आपको आना पड़ेगा डायमंड 2 या 1, दूसरे दिन आपको आना पड़ेगा क्राउन 3 या 2, और तीसरे दिन स्टार 2 या 3, तो हो गया तीसरे दिन में कॉन्करर। बट नहीं भाई अभी जो बेचारे अपने लो एंड डिवाइस है वो सब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई ऐसा प्लस करना हार्ड रहता है, क्योंकि आपको इसके लिए किल ज़्यादा निकालने रहते हैं, तो वो तो आपको होगा नहीं, आपको सर्वाइव गेम प्ले खेलना है। तो आपको इसमें भी कहता है क्या करना है, अब आपके पास स्क्वाड बोर्ड है नहीं तो आपके पास एक या दो दोस्त होगा ना उसके साथ खेलना स्टार्ट करो और पैसे बंदे लो, वही टेक्निक करना है। बट आपको तो देखो बेचारे के पास लो एंड डिवाइस है तो उतरते ही पहली बार तो फाइट लो फिर दूसरी बार सेफ जाओ। या आप एक अनदर टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि पहले स्टार्टिंग से ही सेफ जाओ, जिसको भाई एकदम लो एंड डिवाइस है ना वो बंदा क्या करो उनको उतरते मतलब एंटर नहीं होता तो वो स्टार्टिंग से सेफ जाओ, जाओ 4 बंदे लूटो फिर रिकॉल पे जाओ फाइट लेने, उस जब इवेंट पे जाओ फाइट लेने, इवेंट पे फाइट लोगे तो आपको मिलेगा रिकॉल भी मिल जाएगा और आप अच्छे से किल भी निकाल पाओगे। फिर आप समझो कि एक बार मर गए तो आपको लास्ट तक सर्वाइव ही करना है आपको, फिर 1 या 2 बंदे बचे गए तो आपको मार के चिकन लेना है, क्योंकि मेन पॉइंट एक टाइम ऐसा आता है ना कि चिकन पे प्लस मिलता है। अभी स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि ये एस मास्टर बास्टर में तब किल भी हो गए तो अभी अच्छा खासा प्लस मिलेगा, बट जब आता है ना अभी 7000 पॉइंट मैंने किया था तब उस टाइम पे ऐसा रहता है कि आपको चिकन ज़रूरी है ही है विथ किल, चिकन तो इम्पोर्टेंट ही है। अगर आप #2 मरते हो ना तो आपको भाई 8 या 9 किल हो गए तब भी 4 या 5 प्लस मिलता है, बट आप 8 या 9 किलो पे चिकन लेते हो ना तो आपको 9-10 प्लस मिलती है। 7000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने जब किया था तब इसी सीज़न में, मतलब इसके पहले वाली सीज़न की बात कर रहा हूँ, तो आपको इस बात का सबको ध्यान देना है। अब आपको समझ आया कि देखो स्क्वाड नहीं है तो आप ओल्ड पैसे देखो, मैंने खुद ही कहा ओल्ड पैसे भाई रिक्वेस्ट डालो आप धीरे धीरे करके स्क्वाड बनाओ। और देखो भाई आपको इसके लिए थोड़ा गेम प्ले भी थोड़ा चाहिए होगा, आपको भी थोड़ी किल तो निकालने, आपको थोड़ा गेम प्ले तगड़ा थोड़ा तो मंगेगा भाई। अब एकदम अगर संबंध कि नूबो भाई समय मजाक नहीं आपको उठा रहा हूँ नूबो तो भी आपको भाई सर्वाइव करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आपका गेम प्ले तगड़ा रहेगा। अपना तो थोड़ा गेम प्ले तो भाई ईजी रहता है, बट जिनका गेम प्ले नहीं था उनको मुश्किल रहता है। बट भाई आप सर्वाइव तो कर ही सकते हो मेरे भाई, सर्वाइव ना करना ऐसा नहीं, आपको भाई सर्वाइव पता है कैसे करना है, आप बोलो तो उसके डिटेल पे वीडियो ला दो सर्वाइव करने पे भी मैं। अब आपको अभी नॉर्मल बता रहा हूँ सर्वाइव कैसे करना है कि आप उतरते मर गए तो एकदम ऐसी जगह पर जाओ 2-3 हाउस पे दूर दूर वाले, अब धीरे धीरे करके वो लूटो। और देखो भाई मैं तो पता हूँ उतरते मरने के बाद भी लिपो का ही जाता हूँ भाई फाइट लेने, लिपो कभी कभी बंदे आए तो ठीक है ना लूट वूट के फिर फाइट लेने जाता हूँ अपन मर गए तो। और स्टार्टिंग के सीजन में तो भाई मैं केडी पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि अब की बात तुम्हारा भाई करेगा 7 या 8 की केडी पे कॉन्करर, कॉन्करर का देखता हूँ क्योंकि अभी तो भाई अपन नवरात्रि चल रहे तो अभी आराम से अपन गरबा गाने जाएंगे भाई, कॉन्करर बाद में पहले, और जब भी टाइम मिलेगा तो पहले केडी बढ़ाऊँगा मैं, और मैं भी भाई वही सिस्टम है लास्ट में कॉन्करर करूँगा क्योंकि देखो मैं स्टार्टिंग में कॉन्करर नहीं करता अपन लास्ट में करते आराम से। और देखो आपके पास 4 बंदों की आपके पास स्कोर है ना तो आपके पास कॉन्करर तो ईजी है भाई, आपको सर्वाइव तो कब कर ही सकते हो भाई, आप देखो स्टार्टिंग के 1 महीने भी कर सकते हो कॉन्कर अगर आप सर्वाइव करते करते जाओगे ना,
स्टार्टिंग में तो भाई डेली के भाई आप बहुत ज़्यादा पॉइंट बढ़ते वो बात है, बट एक टाइम तो ऐसा आता है कि पॉइंट कम बढ़ते, तो वो टाइम का फ़ायदा लेके आप काम कर सकते हो। और देखो कुछ समझ आया ना आया, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को भाई, मैं आपको उसका आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेन बात, डीमोटिवेट नहीं होना है, याद रखी लो, डीमोटिवेट नहीं होगे तो आप कॉन्करर हो ही जाएगा।